का स्पॉट है नाश्ता के लिए। हेलो एवरीवन, ओबी वाला वेलकम टू द न्यू कंप्यूटर टू ओन चैनल वर्ल्ड ऑफ फूडी। तो बहुत टाइम के बाद गली चौराहा का जो सीजन है उसको लेके हम वापस हैं, और जो फूड कॉम्पिटिशन है वो भी हमारे चैनल पे वापस आ चुका है भाई। और फिलहाल हम हैं चौराहा से लेके पानी टंकी का जो एरिया है, प्रॉपर जो रोड है हम उसे कवर करेंगे। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉसिबल फूड ऑप्शन है हमारे लिए और क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई फिलहाल हम जैसे ही चौराहा से आपका पानी टंकी की ओर मुड़ रहे हैं, तो आपका यहाँ पे हाइड आउट कैफे हाइड आउट है, उसके जस्ट अपोजिट में आपको यहाँ पे दिखेगा ड्रैगन फ्लेम, बगल में एक कार्ट लगता है और बीके मोमो। यहाँ का मोमो का स्वाद लेते हैं भाई। आपका नाम क्या हो? तो ये बताइए कितना पुराना ये ठेला है आपका और टाइमिंग क्या रहती है आपकी? मोमोज का वैरायटी क्या क्या है आपके पास? वेज चिकन और वेज पनीर चिकन। और जो वेज आई है वेज मोमो है उसका क्या प्राइस पड़ेगा स्टीम और फ्राई का? फ्राई का 70 है। और स्टीम का? चिकन का 50 है। अब फिलहाल हमारे लिए ना हाफ वेज लगा दें, तो भाई लगवाते हैं अपने लिए हाफ वेज मोमो, उसके बाद आपको स्वाद। हाँ जी भाई, तो इनका वेज स्टीम मोमो आ गया है भाई। इसका दाम क्या है? तो भाई 20 का हाफ है, 5 पीस मोमो गया है इसमें। और आपको स्टफिंग दिखाता हूँ, ऊपर से मसाला इन्होंने डाला है, इनके स्टफिंग पत्ता गोभी का स्टफिंग कर दो। अभी उन्होंने शेजवान और मेयो सर्व कर रहे हैं, तो ये रहा शेजवान और ये मेयो। एक्चुअली कहते हैं कि जो बाहर का लेयर होता है मोम का वो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और वो जो अच्छे से सिझा रहना चाहिए, वरना आपके हेल्थ पे बहुत गंदा प्रभाव डालता है। सच में बखूबी ये सिझा हुआ है, एंड यही कारण है कि एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रीट वेंडर जहाँ पे मोमोज मिलता है, इनका जो बाहर का लेयर होता है और इवन स्टफिंग थोड़ा है ऑब्वियसली। अब 20 में आपको 5 दे रहे हैं तो क्या ही ढूंढते हो, सही है, स्वाद चीज़ है, आ सकते हो। तो भाई सेकेंड डेस्टिनेशन ऋतिक विक्टोरिया फेमस चाट, मतलब हम लोग अभी बॉम्बे का फेमस बटाटा पोड़ी खाने वाले भाई। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना, यहाँ पे बटाटा पोड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सफल रहा इनका और बोलने में काफ़ी डिमांड है इनके बटाटा पोड़ी का। एक्चुअली दैट इज़ नॉट बटाटा पोड़ी, दैट इज़ दही बटाटा पोड़ी। हाँ तो चलते पहले भैया से बात करते हैं, उसके बाद स्वाद लेते हैं आपका दही बटाटा पोड़ी का। तो भैया सबसे पहले आपका नाम, टाइमिंग क्या रहती है, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं आप? दही बटाटा पूड़ी जो आप एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो बटाटा पूड़ी से दही का ये बहुत ज़्यादा निकलता है आपका, हाइप है यहाँ पे, डिमांड में। तो ये इसका क्या प्राइस क्या है? 35 रुपये। हमारे लिए एक दही बटाटा पूड़ी लगा देते हो। तो भाई दही बटाटा पूड़ी भाई ये देखो, ये आ गई हमारे पास। प्रॉपर भैया ने दही सूखा का यूज़ किया है यार। This is actually different. भाई स्वाद चीज़ है, बिल्कुल बटाटा पूड़ी की तरह है, बट ये दही की वजह से ना इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है भाई। दही बटाटा पूड़ी 35 रुपये में पटना में ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ नया निकाल रहा है कुछ भी। चटनी की वजह से, सोट का जो चटनी है, ग्रीन चटनी जो यूज़ किए, तीखा खट्टा तो था ही, जो दही का है ना थोड़ा सा मीठा और ठंडा, उसको एक तृप्ति दे रहा है मन को भाई। ख़त्म करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डिशेज। तो भाई चलते चलते अभी तस्कीपुरी चेक पोस्ट पार करा हमने, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यमुना अपार्टमेंट, इसके जस्ट अपोजिट में सामने आपको खादी का दिखेगा, उसमें आगे ही लगाते भैया नाम है कार्ट का मुकेश टिक्की चाट भंडार। इनकी जो चाट है ना, मतलब पिछले 2 साल से मैं जब से पटना में रह रहा हूँ, मैं जब भी इस रास्ते को चलता हूँ यहाँ पे चाट जरूर खाता हूँ, क्योंकि इनके जो प्रिपरेशन है चाट का बहुत अलग है और बहुत यूनिक सा चाट है भाई। चलते दिखाते हैं क्या अलग है और टेस्ट करके बताते हैं। ये कितना पुराना कार्ट है? 16 साल। पापा हमारे रास्ते 16 साल हो गया, पापा का जमाया हुआ दुकान है, अब आप संभाल रहे हैं और दूसरी पीढ़ी है भाई यहाँ पे। ये आपका जो चाट है इतना पत्ता गोभी का यूज़ कर, और बिना लहसुन प्याज का, सावन के टाइम में तो काफ़ी पाक है सही है। तो यहाँ जब भी जाइएगा बारह मास। हाँ
टाइमिंग क्या देती है आपकी, कितने बजे आते हैं कितने बजे आते हैं? 4 से 10। और दाम क्या रखे हैं चाट का आपने? 40 का है, आप 25 का हैं, 45 का है और आप 30 का। तो भाई फिलहाल आप मेरे लिए हाफ ही लगाइए क्योंकि पेट ऑलरेडी टाइट है। क्यों इनका चाट चल रहा है इतने भीड़ में भाई, क्यों ये अलग है? कम ऑन दिखाता हूँ आपको, आलू ग्रेट का ठीक है। तो भैया आ गई टिक्की हमारी, ये काला नमक, धनिया, पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, मतलब ये अलग है भाई। ये हमारा मेन चटनी, मेन चटनी आम आंवला का, आम और आंवला का चटनी, ये थोड़ा डिफरेंट है भाई। क्या क्या इसमें डाला हुआ? ये आपका दही हो गया, क्या गई दही, थोड़ा सा नमक, धनिया, अब वैसे जीरो से हो, इसको झलवा से हो भी बोलते हैं भाई। तो भाई ये देखो चाट लग गई है, इसका 25 है भैया हाफ प्लेट। अब देखोगे तो यहाँ भैया टिक्की डाले और बस इन्होंने पत्ता गोभी वगैरह, पत्ता गोभी, गाजर और बीट इन जो चॉप करके डाला है, बहुत अलग है। इवन ये जो चटनी यूज़ कर रहे हैं वो आंवला और आम का है, गजब का क्रंच है इनके टिक्की में। आलू ब्रेड है बस, इनका जो चटनी है इसी के दम पे इनका चाट है प्रॉपर। और खासकर जो टेस्ट आ रहा है वो आ रहा है एक बहुत इनहांस एक फ्लेवर आ रहा है ब्लैक पेपर का, काला नमक का और साथ ही जो इनका आंवला और आम का चटनी है उसका, बहुत उम्दा भाई। तो यमुना अपार्टमेंट से थोड़ा आगे आइएगा तो आपको एसके पुरी चेक पोस्ट दिखेगा, उसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे एक कार्ड लगता है कॉल्ड काके के छोले भटूरे। इंटरेस्टिंग ये भी बात है ना कि यहाँ पे जो एक पिक्चर है पंडित जी के फीड से इन्होंने लिया था, आई गेस एक डेढ़ साल पहले जब ये ओपन हुआ था तब हम लोग के नज़र में आया था, तब से सोच रहे थे कि यहाँ मूड बना रहे थे कि कवर करेंगे बट फाइनली आज कवर कर इस जगह को। चलते हैं यहाँ पे अपने लिए छोले भटूरे लगवाते हैं, भैया से बात करते हैं और यहाँ का स्वाद लेते हैं। भैया आपका नाम? तो भैया ये बताइए कि क्या क्या है आपके पास? छोला भटूरा है, दाल का टुकड़ा भी है जी, छोला भी है। कितने बजे खुल जाती है सुबह आपकी दुकान? 9:30। दाम क्या क्या है, समोसा का दाम क्या है? समोसा का हो गया 21 रुपया, 12 रुपया। मूंग दाल का चौड़ी का 13 रुपया, छोला भटूरा 14 रुपया। कौन सी तीन आपके पास? पूरी छोला वो भी 40, मतलब सुबह का नाश्ता आपके पास मिल जाएगा। तो भाई कभी भी अगर आप एक स्टूडेंट हो, ये प्रॉपर अगर आपका फिजिक्स वाले भी क्लास बगल में है, एक अच्छा स्पॉट है नाश्ता के लिए, आप आ सकते हो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम लगवाते हैं अपने छोले भटूरे और उसका स्वाद लेते हैं भाई। छोला भटूरा खाया हमने, इन्होंने का जो भटूरा है ना उसमें ये कसूरी मेथी का यूज़ करते, उसका जो टेस्ट है काफ़ी इन्हांस फ्लेवर आ रहा था उसका। और बाकी बात करें छोले की तो भाई ये काबली चने के छोले सर्व करते हैं और स्ट्रीट पे जिस हिसाब से 40 रुपये में दे रहे हैं ना, बजट फ्रेंडली है। अभी यहाँ से मूव करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोकेशन पर। तो भाई आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर इस ब्लॉग के, प्रॉपर बोले कि जस्ट अभी छोले भटूरे खाए हैं और बस बोले ना कि एक ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, डेजर्ट के साथ एंड करते हैं और इस ब्लॉग की जो ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम अपने लोकेशन पे, जहाँ पे यहाँ बता दें आपको, यहाँ लस्सी का एक प्रॉपर कार्ट है, सेटअप बहुत ही सिंपल है, चौकी के ऊपर ये लस्सी लगाए हुए हैं, लस्सी बेच रहे हैं और कंटिन्यूसली रनिंग में इनकी लस्सी जो है निकल रही है। भैया पहले एक लस्सी हमें भी दीजिए। तो भाई भैया से ही बात करते, भैया पहले बता दें आपका नाम? हमारा नाम लखन है, लखन जी। समय क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक खोलते हैं दुकान? 10 बजे से लेकर 10 बजे रात तक। लस्सी का दाम क्या है? 30 रुपये। भाई बेसिक हम मिल चुका है, फिलहाल हम भाई लोग से इंटरेक्ट करते हैं। तो भाई लोग सिवान से है ना, तो सिवान में जो लोकल ग्रैटिट्यूड करने का तरीका है, नमस्ते नमस्ते, ये क्या है कुछ अलग है। राम राम, राम राम, तो राम राम भाई, राम राम। कैसा लगा यहाँ पे लस्सी? बहुत बढ़िया है, लोग सही है, उससे बढ़िया है और टेस्ट है, दूध अच्छा लगा। कहते हैं जो सिवान के लोग होते हैं ना बिल्कुल मिश्री की तरह होते हैं, मतलब शहद के साथ, तो जैसा आप उनके साथ पेश आओगे ना वैसा वो आपके साथ बिहेव करेंगे। और ख़ास करके सिवान के जो लोग होते हैं वो डेजर्ट्स काफ़ी अच्छे जानते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी मिलते हैं वहाँ का। कोई ओरिजिनल मिठाई है ऐसा कुछ जो फेमस हो? मिठाई में गाजा, तो फिलहाल बिहार का फेमस है गाजा, शादी में खास करके बहुत निकलता है ना। तो कुछ बोलना चाहिएगा आप? हाय गाइस, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं।
अच्छा लगा और आइए कभी जरूरी चीज़ें यहाँ बोरिंग रोड पे। मतलब और खुद का सेल्फ प्रमोशन कर लीजिए आप। इंस्टाग्राम आईडी है? इंस्टाग्राम आईडी की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ बता दीजिए। एक आध प्रपोजल आ गया गलती से। वैसे इंस्टाग्राम आईडी है @_IUNCK। पटना में कितने टाइम से? पटना में मतलब बचपन से यही पटना कर लिया मैंने, बोरिंग रोड में पिछले 1.5 साल फिर 1.5 साल से पढ़ाई के पर्पज से। पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे हैं? पढ़ाई भी हो रही है और कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। सिवान का तो आज भी कुछ नामी है, सबसे नाम है कटना। चलो भाई फिलहाल ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, पिछले ब्लॉग में भी सिवान के लोग मिले थे, यहाँ भी मिल गए। कोई इंसिडेंस है, सिवान शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी बुला रहे हैं भाई। एनीवेज भाई बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट, और मिल के बहुत अच्छा लगा आपसे। अब इसको आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। फिलहाल आपको दिखाऊंगा इसका टॉपिंग। ऊपर इन्होंने टूटे टूटे डाला है, किशमिश डाला है, पेड़ा डाला है, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो लस्सी इसका जो थिकनेस है काफ़ी सही है भाई। क्या बात है, इवन नारियल का जो बुरादा होता है ना वो भी डाला है इन्होंने। बोल सकते हैं कि 30 रुपये के बजट के हिसाब से ये जो लस्सी है कुल्लड़ लस्सी काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी लुभावना है, मुझे तो काफ़ी लुभा रही है। मैं जब भी इस एरिया से जाने वाला हूँ ना, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट फॉर मी। इस लस्सी को एंड करूँगा और इसी नोट पे इस ब्लॉग को भी मिलता हूँ किसी और ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना कि अगले वीडियो में आप कौन सा एरिया चाहते हो कि हम कवर करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, चलते हैं, बाय बाय, आई लव यू।